Hello students, welcome back to our accountancy class. Yesterday we have started our first chapter, which name is accountancy for partnership from fundamentals. कल हम इसका अपना profit and loss appropriation account हम बनाना सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम profit and loss appropriation बनाते हैं. आज हमारा इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कि जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, ये कैलकुलेशन आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे. तो देखिए, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट रूल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, हमेशा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो किस पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है. कई बार क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती तो उसका मेथड हमारा अलग है. ओके, तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं मेंशन कर रखा है तो हमेशा हम किस पे लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं. सेकेंड कंडीशन देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. हमेशा कैसे देते हैं हम क्वेश्चन में, हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो हमारी कैपिटल कहाँ से कहाँ तक है. टाइम के अकॉर्डिंग देंगे कि 6 मंथ्स का देना है हमें, 12 मंथ्स का देना, वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा. अब थर्ड देखिए, सिचुएशन क्या होगी, कई बार हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती, ओपनिंग कैपिटल हमारी मिसिंग होती है. ठीक है, तो देखिए, वेन एवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉर्मूला. जब हमारी जो है ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है, मैंने यहाँ पे ओपनिंग भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, कैपिटल भी शॉर्ट में लिखा हुआ है. ओके, तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और सेकेंड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल. ओके, तो देखिए, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है और ओपनिंग कैपिटल हमारी जो है क्वेश्चन में मिसिंग होती है, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, इसी टाइप का दिया हुआ है जिसमें आपकी ओपनिंग कैपिटल जो है मिसिंग है. तो ध्यान से देखिए, उस टाइम हमारी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होगी, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी. क्लोजिंग कैपिटल मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर. कैपिटल हमें क्या लिखा होगा, कैपिटल के आगे कैपिटल्स आर एट द एंड ऑफ द ईयर. तो देखिए, क्या क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन होगी. अब उसमें हमें क्या क्या करना है, जो ड्रॉइंग्स होंगी पार्टनर्स की वो हमने ऐड करनी है. विड्रॉ ऑफ कैपिटल, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, विड्रॉल. अगर पार्टनर से विड्रॉल कर लिया कुछ कैपिटल उसमें से, उसको हम ऐड करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर हमें ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, वो ऐड होगा. शेयर ऑफ लॉस, अगर शेयर ऑफ लॉस पार्टनर से मंगवाया गया हो क्या होगा, प्लस. अब माइनस देखिए, कौन कौन सी आइटम्स होंगी, माइनस होगी एडिशनल कैपिटल, माइनस होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड माइनस होगा सैलरी और कमीशन. ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में बचेगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल. ओके, और जब हमारी ये किस केस में है, जब फिक्स कैपिटल होगी तो उसमें देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन होगी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी हमें गिवन होगी. अब उसमें हमने क्या करनी है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करना है, माइनस क्या करनी है, एडिशनल कैपिटल. जो हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, इसके आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. इसके बाद हम एक सम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसी के बेस पे आगे आपके 3-4 सम हैं, ऐसे ही आप फिर वो सम करोगे. तो देखिए, हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो आप काफी बार प्लस वन में बना चुके हो, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू कर रही हूँ. ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहता है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स. एक पार्टनर कौन है, अरुण है, और दूसरा पार्टनर कौन है, वरुण. ठीक है, स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. आप किसमें शेयर कर रहे हैं, वो 1:1 यानी इक्वली. ठीक है, देयर कैपिटल ऑन फर्स्ट अप्रैल. अब उनकी कैपिटल ये कब की दी गई है, फर्स्ट अप्रैल को दी है.
कब दी है ये? 1st अप्रैल, ठीक है। उनकी कैपिटल है 1st अप्रैल 2015 को, ठीक है। कितनी दी गई है? 4,80,540। तो क्या दी गई है? अरुण की हमारी है 4,80,000 एंड वरुण की कितनी है? 5,40,000। ओके, अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? ऑन 1st अक्टूबर, अब चेंज कब से हो रहा है? 1st अक्टूबर को चेंज हुआ है, ठीक है, 1st अक्टूबर 2015। ओके, क्या कहते हैं? दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख, कि जो टोटल कैपिटल होगी बिजनेस की वो कितनी होगी? टोटल कैपिटल होगी 10 लाख, ठीक है। टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, अब जो क्या की जाएगी? इक्वली की जाएगी। तो अगर 10 को हम इक्वली बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी, यानी दोनों कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 5 लाख, एंड यहाँ पे क्या होगा? 5 लाख। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम। ओके, तो हमने किस रेट से देना है? 6%। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये अरुण की है, ये वरुण की। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें कब से कहां तक दी गई है? 1st अप्रैल से। और कैपिटल में चेंज कब हुआ? 1st अक्टूबर। तो कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। कितने मंथ हुए हमारे? यहाँ पे हमारे हुए 6 मंथ, क्योंकि 1st अक्टूबर को तो चेंज हो ही गया, हम कब तक लगाएंगे? 31st तक, ठीक है, 31st सितंबर तक। अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 1st अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने हो गए यहाँ पे? 6 मंथ हमारे यहाँ बनते हैं। तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो वो कैसे होगी? पहले अरुण की करते हैं। अरुण को देखिए कितना मिलेगा? 4 लाख, यहाँ लिख लेते हैं 4,80,000। ओके, और हमें परसेंटेज क्या दी है? 6/100 इंटू कितने मंथ के लिए है? 6/12। तो देखिए कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन, कितनी आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन करने के बाद? कितना आता है हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद? आपके पास आएगा 14,400। ओके, ये हमारी हो गई है अरुण की। अब इसके बाद हम करते हैं वरुण की, ऐसे ही 5,40,000 इंटू 6% हमें रेट दी हुई है 6/12। तो कर दीजिए कटिंग और कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 × 3 = 6। तो कितना बनेगा यहाँ पे? हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आता है 16,200। कितना आता है? 16,200। ये तो होगी हमारी 1st अप्रैल से लेके 31st सितंबर तक। अब हम देखते हैं जब उनका चेंजेस हुए हैं उनके, तो कितनी आई है? 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो देखिए कैसे होगी, 6 × 12 = 6। तो कितना आया हमारा यहाँ पे? 5 × 3 = 15। तो आया हमारा यहाँ पे 15,000, ठीक है। तो सेम ही हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है क्योंकि 5 लाख ही है। तो इसका भी कितना आएगा? वही सेम ही रहेगा, 5 लाख × 6/100 × 6/12। तो यहाँ पे कितना आया हमारा? 15,000, सेम ही रहा। तो कैलकुलेशन कीजिए कितना हुआ, इसका आया 31,200। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, ठीक है, 29,400, ठीक है। यानी एक को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 29,400 और दूसरे को हम दे रहे हैं 31,200। ये हमारी कैलकुलेशन थी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड सम है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपके आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों समझूंगा वो आपको बिल्कुल एज इट इज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें बताया गया है ए बी आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल शो द बैलेंस ऑन अप्रैल 1st। अब कब की बात हो रही है? 1st अप्रैल 2015
2015 की बात होगी, ये हमारा सम है थर्ड सम। ओके, अब क्या है ए और बी पार्टनर्स हैं, कौन है ए एंड बी। ए की कैपिटल हमें दी गई है 4 लाख, ओके, एंड बी की कैपिटल हमें दी गई है 3 लाख। ऑन 1st अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मीन्स वो कुछ और कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस में, और वो कब लेके आते हैं, 1st अगस्त 2015। कितनी लेके आ रहे हैं वो फर्दर कैपिटल, ए लेके आ रहा है 50,000, बी लेके आ रहा 40,000। तो ए की 4 लाख तो हमारे पास पहले थी, वो फर्दर कैपिटल लेके आया 50,000, तो टोटल अब हमारे पास कितनी हो गई है उसकी कैपिटल, 4,50,000। बी की कैपिटल हमारे पास पहले थी 3 लाख, वो फर्दर ले आया 40,000, तो अब कितनी होगी हमारे पास उसकी कैपिटल, 3,40,000। ओके, तो देखिए अभी क्या कहता है, बी विड्रो 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1st। अब क्या करता है बी, 1st मार्च 2016 को, ए ने कुछ नहीं किया, बात किसकी हो रही है, बी की, बी विड्रो कर देता है कितने, 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रेट वही दी हुई है हमें 6% पर annum, हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये कहां से कहां तक है, 1st अप्रैल से 1st अगस्त, तो कितने मंथ का लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई और 1st अगस्त का, तो 4 मंथ का ही लगेगा। यहाँ पे तो हमारा लग गया 4 मंथ का, अब यहाँ पे कितना लगेगा, 1st अगस्त से लेके और कब तक लगेगा, जो हमारा ए का है उस पे तो पूरा लगेगा 31st मार्च तक, तो कितना लगेगा ए पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी ए को तो हम कितना लगाएंगे, ए पे तो 8 मंथ का ही लगाएंगे। लेकिन बी ने कब तक किया, बी ने 1 मार्च को क्या कर लिया, 15,000 निकाल लिए हैं, यानी अब उसकी ये कैपिटल कब तक है, ये कैपिटल है उसकी 31st फरवरी तक, कब तक है 31st फरवरी तक। तो 1 अगस्त से हम 31st फरवरी तक कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ बनेंगे, बी के बनेंगे हमारे 7 मंथ, कितने बनेंगे 7 मंथ। अब यहाँ पे देखिए 340 में से उसने 50,000 निकाल लिए हैं, क्या कर लिए, 3,40,000 में से उसने 50,000 निकाल लिए हैं, तो उसकी कैपिटल कितनी बचती है हमारे पास, यहाँ पे उसकी कैपिटल बचती है 3,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मंथ का लगेगा, ओनली 1 मंथ का, कितने का लगेगा, ओनली 1 मंथ का। तो टोटल मंथ देखिए 8 और 4 12, इसके 12 हो गए हैं, यहाँ पे देखिए 7 और 1 8 और 4 12। अब कैलकुलेशन सेम आपको वही करनी है जैसे हमने अभी की थी, और करने के बाद उनको टोटल कर देना है। तो ये आपका कंसेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके बाद आपका फोर्थ सम आता है, फोर्थ सम में आपकी कैलकुलेशन वही होगी सेम, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कब दे रखी है, एंड की दे रखी है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। तो हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन सेम एज मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें पुट करके आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है खत्म होता है, इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।